अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, रील्स बनाते हो, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए एक बढ़िया वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हो 2024 में, देन आप सही जगह पे आए हो। आज मैं आपको एक AI पावर्ड लो रिसोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो काम तो बड़े बड़े कर सकता है, बट इसको यूज करना थोड़ा ईजी लगा मुझे। ये है AI पावर्ड हिटपॉ एडिमेकर। वीडियोस हो या ऑडियोस, डाउनलोड, रिकॉर्ड, एडिट या कन्वर्ट, सब कुछ कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर में। काउंटलेस अमेजिंग कलेक्शन मिल जाएगा, साउंड्स का, इफेक्ट्स, स्टिकर्स, फिल्टर्स, ट्रांजिशन, टेक्स्ट एनिमेशन एंड स्टॉक वीडियो क्लिप्स का। AI पावर्ड स्पीच टू टेक्स्ट फीचर की मदद से आप सबटाइटल्स ऐड कर सकते हो अपने वीडियो में। यही नहीं, AI स्क्रिप्ट जनरेटर, AI ऑडियो एडिटर, AI टेक्स्ट टू स्पीच जैसे फीचर्स भी मिल जाएगा एंड और भी बहुत कुछ। नाउ ट्राई इट फ्री पे, क्लिक करो, फाइल डाउनलोड करो, PC में इंस्टॉल करो एंड एंजॉय। गाइस, हिटपॉ एडिमेकर सॉफ्टवेयर में आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएगा, ट्यूटोरियल वीडियोस हो या फिर गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो। AI की मदद से आप अपने वीडियोस में सबटाइटल्स ऐड कर सकते हो, बहुत टाइम बच जाएगा आपका। एंड गाइस, बिगिनर्स के लिए AI पावर्ड वीडियो जनरेटर भी मिल जाएगा। गाइस, एक और बहुत ही यूजफुल फीचर आपको मिल जाएगा टूल बॉक्स के अंदर, फोटो एनहांसर का। लो क्वालिटी इमेजेस को आप इम्प्रूव कर सकते हो इस फीचर की मदद से। चलिए आपको दिखाता हूँ कि सबटाइटल्स कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको वो फाइल इम्पोर्ट कर लेना है जिसपे सबटाइटल्स ऐड करना है। बहुत ही इजी है, क्लिप सिलेक्ट करके ऑटो सबटाइटलिंग बटन पे क्लिक करना है एंड आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। टेक्स्ट पे क्लिक करके उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट बॉर्डर आप ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट को जूम कर सकते हो एंड बेटर विजिबिलिटी के लिए उसमें शेडोज भी ऐड कर सकते हो। गाइस, वीडियो के टेक्स्ट को हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो से ऑडियो ऑलरेडी निकाल दिया है। नाउ जो वीडियो में टेक्स्ट लिखा है उसको हम AI की मदद से स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस, लैंग्वेज के साथ साथ आपको वॉइस का सैंपल भी मिलेगा, मेल एंड फीमेल दोनों। आप उसमें से कोई भी एक वॉइस चुन सकते हो अपने टॉपिक के हिसाब से। थ्री वेज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हैव चेंज्ड हाउ। अब गाइस, AI वीडियो जनरेटर आपके वीडियो के लिए ना AI स्क्रिप्ट जनरेट कर सकता है। आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है, एक रेगुलर वीडियोस के लिए, दूसरा अगर आप एड्स वगैरह बनाना चाहते हो, या फिर एक्सप्लेनेटरी वीडियो। आप वीडियो का वाइब भी चूज कर सकते हो, कैजुअल, प्रोफेशनल, फनी, इन्फॉर्मेटिव एंड लैंग्वेज भी। अब गाइस, आपको बॉक्स पे टॉपिक लिखना है और जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है। स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है ऐड मीडिया के लिए। आपको हर एक पार्ट का ड्यूरेशन दिख रहा होगा, उसमें आपको इमेजेस एंड वीडियोस ऐड करना है ड्यूरेशन के हिसाब से। इनमें कैसे आप टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो वीडियो के टॉपिक के हिसाब से। ये तो हो गया बेसिक। अब आपको यहाँ पे एडवांस्ड एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करना है हमें एडवांस्ड एडिट के लिए। तो गाइज, ये है मेन इंटरफेस वीडियो एडिटर टूल का। सबसे पहले हम कुछ मीडिया इंपोर्ट कर लेते हैं, वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो फाइल वगैरह। मीडिया वाले सेक्शन में आपको इंपोर्ट के बाद स्क्रीन रिकॉर्डर का बटन भी दिख रहा होगा एंड आप ऑनलाइन फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे लिंक पेस्ट करके। गाइज, आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा बैकग्राउंड मिल जाएगा, एनिमेटेड, सॉलिड, कलर्स, जिफ एंड स्टॉक वीडियोज भी। मीडिया के बाद साउंड, अगेन आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, साउंड इफेक्ट्स वगैरह। गाइस, आप इन फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हो और फेवरेट लिस्ट में ऐड भी कर सकते हो। गाइस, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा मुझे बहुत सारा डिटेल लिखना पड़ता है, प्राइस, फीचर्स वगैरह अपने वीडियो में। अगर आप ऐसे वीडियोस हिटपॉ एडिमेकर में एडिट करते हो ना, तो आपको बहुत सारा कूल कलेक्शन मिल जाएगा टेक्स्ट स्टाइल का। अगर आप अपने वीडियो में स्टिकर्स ऐड करना चाहते हो, तो आपको काउंटलेस कलेक्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब, मार्क्स, कवर, इमोजी, बर्थडेज एंड और भी है। गाइज, एक 5 या 10 मिनट का वीडियो बहुत सारा क्लिप जोड़कर बनता है, तो एक क्लिप से दूसरे क्लिप को जोड़ने के लिए हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स का यूज करते हैं अपने वीडियो में। बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपको मिल रहा है इस टूल में, बेसिक, स्लाइड शो, मोशन इफेक्ट्स, 3D। मैं आपको कुछ ट्राई करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है। गाइस, आप अपने नॉर्मल वीडियो को सिनेमैटिक फील भी दे सकते हो फिल्टर्स ऐड करके। काउंटलेस कलेक्शन मिल रहा है आपको, मूवी स्टाइल, साइबर, कूल वाइट, स्टाइलाइज्ड एंड और भी है। गाइस, अगर आप ट्रैवल वीडियो बनाते हो, व्लॉगिंग करते हो, देन ये ट्रांजिशन एंड फिल्टर्स जरूर ट्राई करना। अगर आप इंस्टा रील्स बनाते हो, मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते हो, इस तरह के कंटेंट बनाते हो, तो आप इफेक्ट्स भी ट्राई कर सकते हो। चलिए अब कुछ बेसिक एडिटिंग करके देखते हैं, इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं, ये टूल कैसे वर्क करता है। मैंने टाइमलाइन पे एक वीडियो क्लिप, एक इमेज एंड साउंड फाइल ऐड कर लिया है। नाउ ये स्प्लिट बटन है, इस पे क्लिक करके आप फाइल को कट कर सकते हो और डिलीट बटन से डिलीट। अब गाइस, एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेते हैं अपने वीडियो में।
गाइस आप म्यूजिक फाइल का या फिर अपने ऑडियो फाइल का वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हो यहाँ से। वॉल्यूम स्लाइडर के नीचे आपको फेड इन फेड आउट का स्लाइडर दिख रहा होगा। एंड गाइस आपके ऑडियो में अगर नॉइज है तो आप बैकग्राउंड नॉइज को कम कर सकते हो नॉइज रिडक्शन बटन पे क्लिक करके। एंड वॉइस चेंजर भी आपको मिल जाएगा। नाउ गाइस डिलीट और स्प्लिट के बाद आपको जो बटन दिख रहा है ना, ये फ्रेम फ्रीज का। आप अपने वीडियो से कोई भी फ्रेम फ्रीज कर सकते हो। उसके बाद क्रॉप, आप वीडियो को रीसाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको पैन एंड जूम बटन मिल जाएगा। एंड गाइस आप वीडियो को फ्लिप भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा चाहो। नाउ गाइस आपको टॉप राइट में मिल रहा है जूम स्लाइडर, आप वीडियो को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। गाइस वीडियो का ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो एंड वीडियो को रोटेट भी कर सकते हो। एंड गाइस आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, थोड़ा शेकी है, तो आप स्टेबलाइजेशन फीचर भी ट्राई कर सकते हो। आप अपने वीडियो से ऑडियो फाइल को डिटैच कर सकते हो ऑडियो सेक्शन में जाकर, चाहो तो उस पर कोई और वीडियो लगा सकते हो। नाउ गाइस नेक्स्ट सेक्शन है स्पीड का, जहां से आप ऑडियो या वीडियो का स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। एंड गाइस आप स्पीड रैंपिंग इफेक्ट्स भी डाल सकते हो वीडियो पे। स्पीड के बाद एनिमेशंस, आप अपने वीडियोस में ये ट्राई कर सकते हो कुछ इस तरह के इफेक्ट्स के लिए। एनिमेशन के बाद कलर, वीडियो का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन शार्पनेस वगैरह आप यहां से एडिट कर सकते हो। वीडियो में हमने ऑलरेडी साउंड ऐड कर दिया है, चलिए अब टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट स्टाइल चूज करने के बाद आपको टेक्स्ट एडिट पे जाना पड़ेगा। टाइप करने के बाद आप उसका कलर्स फॉन्ट्स वगैरह चूज कर सकते हो एंड अगर आप चाहो तो स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हो। नाउ गाइस दो क्लिप के बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालकर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा दिखता है। एक ही वीडियो में एनिमेशन ट्रांजिशन स्टिकर्स फिल्टर्स वगैरह सब ट्राई नहीं किया जाता, बट मैं आपको सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखता है, कैसे ये वर्क करता है। तो चलो अब कुछ फिल्टर्स एंड उसके बाद कुछ इफेक्ट्स भी ट्राई करके देखते हैं। एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। ये वीडियो आपने YouTube के लिए बनाया, शॉर्ट्स है रील्स है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मेट एंड रेजोल्यूशन चूज करना है। गाइस हम 4K 60 FPS पे भी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस टूल से। तो गाइस ये था हिटपॉ एडिमेकर वीडियो एडिटर। गाइस जरूर ट्राई करना, मैं लिंक और दूसरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए iPhone Unboxed।